वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ब्लू स्टार दे महान शहीदों की अज आपां 38वां शहीदी समागम मनाया और जिहदे विच समुचे पंथ ने मैं समझदा और समुचियां सिख जथेबंदियां ने जिस एक सुरता का सबूत दिता। जे आपां इसे एक सुरता दे नाल धर्म नूं भी ग्रहण करके फिर मैं समझदा अपने निशाने ते पहुँच सकते हैं। और सिंह साहब जी ने भी अज चीचे तौर पर गल ते फोकस किया, वो सीगा कि सिख कौम वध तों वध अमृतधारी होवे और जिले मानसिक तौर पर धर्म ग्रहण करके मनुख तकड़ा हो जाता फिर उहदा रहन सहन उहदा किरत दा और किरत भी धर्म दी ते फिर समाज दे विच विचरना आर्थिक तौर पर मजबूती भी करता। सो उन्हां महान शहीदां नूं अज इत्थे आपां इस समागम में शरदा के फुल भेट किए आ, उन्हां दी याद नूं ताज़ा किया। उत्थे नाल दी नाल साढ़े बहुत ही सत्कारयोग 20वीं सदी के महान जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, उन्हां दे नाल भाई अमरीक सिंह जी अमर शहीद, बाबा ठारा सिंह जी ते जनरल शवेक सिंह जी, जिन्हां ने वो जिहड़ियां फौजां इत्थे चढ़ के आईयां सीगियां उन्हां दा पुरातन मर्यादा अनुसार ते गुरमत दीआं लीहां अनुसार मुकाबला करके शहीदियां पाईयां। उन्हां दी महान शहीदी नूं अज समुची कौम हमेशा वास्ते याद भी करूगी ते अज भी उस याद दे विच सारी कौम जिहड़ी एकत्र होई आ। सो आपां वध तों वध जतन करिए, जिहड़ा सिंह साहब ने सुनेहा दित्ता सी कि धर्म नूं ग्रहण करिए, धर्म की परिपक्ता मनुख नूं शुद्ध भी करती आ, धर्म की परिपक्ता मनुख नूं गुरु आशे अनुसार जिंदगी जीवन का जिहड़ा उह ढंग भी दसदी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। शास्त्र जिहड़े शास्त्र वाली गल आ, साडे शास्त्रां दी तुसीं सुणे होणे शायद गल, उन्हें कहा भी असं वध तो वध जे साडे गतके दे खाड़े लावांगे। ये शास्त्र विद्या तो गुरु साहब ने आदिकाल तो सानू दित्ती आ, इहनू आपां कई बार देखो साडे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी समागम शुरू आ जिहड़े आ जून के महीने तो हुण असीं वख-वख पिंडां दे विच लावांगे। तो सिंह साहब ने भी इहो अपील की आ कि वध तो वध आपां जिन्नियां सिख जथेबंदियां महापुरश आ वह भी एकत्र हो के खास करके आ जिहड़ा बार्डर एरिया इहदे विच इस धर्म की लहर नूं प्रचंड कर।